गुजरात में सियासी मैदान सज चुका है और पिछले 6 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस अजेय किले को खोने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा सोलंकी को सियासी पिच पर उतारने का फैसला लिया है। पार्टी ने उन्हें जामनगर नॉर्थ से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए रिवावा सोलंकी ने अपना नामांकन भर दिया है। वहीं इस दौरान उनके पति रविंद्र जडेजा भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है और मतदान 2 फेज में 1 और 5 दिसंबर को होगा, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे। जामनगर की जनता माटे जेटलो विकास थाय जेटलो सारा काम होता है ये करवानी कोशिश कर से, केम के एनी हमेशा मारा वाइफ ने मानसिकता एवी रही से कि जेटला नाना मानसो ने मदद थई सके, जेटला नाना मानसो ना काम थई सके, जेटला जरूरियातमंद लोगों ना काम थई सके, ये हमेशा एनी मानसिकता एनी दृष्टि अने एनु एक विजन छे कि जेटलू बने सुधी त्यां छेवाड़ाना मानवी सुधी पहोंचू अने एनो जे प्रॉब्लम होय ई सोल्व करवो। और अब बात जितेंद्र अव्हाड़ पर बढ़ती मुश्किलों की। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र अव्हाड़ की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जितेंद्र अव्हाड़ को के खिलाफ महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद नाराज एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंब्रा में सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ की। साथ ही मामला दर्ज होने के बाद जितेंद्र अव्हाड़ ने भी इस्तीफा देने का फैसला किया है। ज्यांना त्या चित्रपट बंद पाडण्याच्या करता गेले असताना मारहाण झाली तेच म्हणाले की जितेंद्र आव्हाडांनी मला त्याच्यामध्ये वाचवलं, असं असताना जितेंद्र आव्हाडांना त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याचं काम झालं। रात्रभर एका पोलीस स्टेशनला तिथं ठेवण्यात आलं, ते आणि आनंद परांजपे आणि ते आमचे सहकारी। माझी पहिल्यांदा जितेंद्र आव्हाडांना विनंती आहे की अशा प्रकारे राजीनामा त्यांनी देऊ नये, अशा पद्धतीने त्यांनी विचार देखील मनामध्ये आणू नये।